हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में कि जो शॉर्ट नोट है वो हमें किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए या कैसे हम एक एफिशिएंट शॉर्ट नोट बना सकते हैं जो फर्दर आपके रिवीजन एंड रिकॉलिंग में जो है वो हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो स्ट्रेटेजी और बेसिक्स के बारे में भी अपलोड करी है, तो आप जाके उन सारी वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो देखिए, बेसिक्स जब हम शॉर्ट नोट की बात करते हैं तो शॉर्ट नोट मतलब क्या होता है, एक छोटा नोट। आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी कि आपने बहुत डिटेल में चीजें लिखी हैं। तो शॉर्ट नोट बनाने का सबसे बड़ा जो नियम है, जो रूल है, कि आइडेंटिफाई करना है की कंसेप्ट को। ठीक है, आप कंसेप्ट हो गए, जैसे आपके फॉर्मूला हो गए, कोई थ्योरम है, या फिर आपकी जो डेफिनेशन है, जो भी आपके CSIR, क्योंकि हम CSIR के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो आपके जो सिलेबस में आपको जो भी चीजें, एक ऐसी कुछ की पॉइंट्स है, वो सारे शॉर्ट नोट बनाते टाइम आपको ऐड करना है। दूसरा क्या है, शॉर्ट नोट हमेशा जो है वो ब्लू पॉइंट के जो आपके रहते हैं या बुलेट जो आपके पॉइंट्स होते हैं उन फॉर्म में आपको बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, जी नहीं, आपको सारे शॉर्ट नोट एक बुलेट जो है आपके पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो तैयार करने रहते हैं क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। आपको इसमें ज्यादा यूज करना है एब्रीवेशन एंड सिंबल। मतलब जैसे अगर आपको लिखना है TNF α, तो ये क्या है, आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए TNF α। आपको पूरा नहीं लिखना है, तो एक चीज एब्रीवेशन एंड सिंबल। और इसके बाद आपको हाइलाइट्स कर लेने हैं अपने मेन एरिया जो आइडियाज हैं उनके लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी, हमने पढ़ा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, तो हमें पता है कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, तो आपको केवल उसको, जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है उसको आप हाईलाइट करिए। तो इस तरीके से वो जो आपका मेन पॉइंट है बिल्कुल आपको उसको हाईलाइट करना रहता है। और शॉर्ट नोट जो है वो हमेशा तैयार किए जाते हैं आपके डायग्राम के फॉर्म में। मतलब आपको हर एक चीज, जो भी आप जैसे पाथवे जहां पढ़ रहे हैं वहां तो डायग्राम रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी है, रादर देन कि भाई वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखने की जगह उसको डायग्राम के फॉर्म में जरूर लिखना है, क्योंकि जो विजुअल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं या हमें बहुत जल्दी याद कराती हैं किसी भी कंसेप्ट को लेके। एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करें तो थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सीधी एक चीज के बारे में पढ़ा, जैसे हम एनिमल फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, अगर हमने नर्वस सिस्टम पिकअप करा, नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन पढ़ लिया, तो ब्रेन के बाद आप थोड़ा सा जो स्पेस है, जो लाइंस है अपने पेपर की, उनके लिए जरूर छोड़े, इसीलिए क्योंकि जब आप उनको अपडेट करने जाएंगे तो, क्योंकि शॉर्ट नोट जो है ना हम वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, 1 या 2 दिन के लिए नहीं बनाते, तो उस इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट हम उसमें ऐड कर पाए। कनेक्ट करिए अपने आइडिया को। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी के साथ, एक रिलेशनशिप के साथ जरूर पढ़ें। आपको ऐसा नहीं करना है कि पता चले कि अभी पढ़ रहे थे अमाइनो एसिड, फिर दूसरा मन किया तो हमने पढ़ लिया सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बाद लिख दिया। नहीं, कोशिश करिए कि आप एक सिक्वेंस बेसिस पे पढ़ें, आप कनेक्टिविटी के साथ पढ़ें, जिससे आपके जो नोट्स हैं को ऑर्गेनाइज्ड रहे। एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट में जैसा हमने बताया कि हम लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखते, एग्जाम्पल जो है वो हमें इंक्लूड करके चीजों को समझना रहता है। ये कलर कोडिंग, ये मेरा फेवरेट रहा है, जब भी मैं अपने शॉर्ट नोट तैयार करती थी, इवन आज भी जब मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ कोई कंसेप्ट मुझे पढ़ना होता है, तो मुझे नोट्स बनाने का बहुत शौक है। तो मैं करी क्या हूं ना कि पूरा मेरे पास बल्क है एकदम कलर पेन का, तो वहां पर मेरे पास 10 से मतलब 11 to 12 टाइप ऑफ पेन है और अलग अलग डिफरेंट कलर के, तो किसी की हेडिंग किसी कलर से, तो मतलब एक रहता यूनिफॉर्म तरीके से कि मेन हेडिंग जो है वो हमें रेड रखनी है, उसके बाद जो हमारी सब हेडिंग्स रहेगी उसको हमें ब्लू कलर की रखनी है, फिर हमें टर्म्स को हाईलाइट कर देना है ग्रीन कलर से। तो अगर आप कलरेशन के साथ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और अभी आपकी उम्र भी है रंगों के साथ खेलने की, तो बिल्कुल आप कलर का इस्तेमाल जरूर करें, वो शॉर्ट नोट को बहुत अच्छा लुक देते हैं। फिर इसके बाद एक मेथड होती है जिसे कहा जाता है कार्नेल मेथड। अब ये जो मेथड होती है इसमें हम क्या करते हैं कि नोट्स को सेक्शन वाइज बना देते हैं। सेक्शन वाइज कैसे,
कि सबसे पहले हमने क्या किया कि नोट्स को डिवाइड किया, पहले आपके क्लूज होंगे, फिर आपके मेन नोट्स होंगे, उसका समराइज फॉर्म रहेगा। मतलब ये एक तरीके की अच्छी प्रैक्टिस है। कई बार हमें स्कूल टाइम में ये प्रैक्टिस कराई जाती थी कि हम करते क्या थे कि किसी चीज को पढ़ा, फिर उसके कुछ मेन पॉइंट लिखे और उसके बाद उसका समराइज फॉर्म लिखा। तो ये चीज भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि फोकस करना है बी एरिया में। आपको शॉर्ट नोट जो है ना, शॉर्ट नोट आपको ऐसे नहीं बनाने हैं कि जो चीज आपको आ रही है उसी के नोट्स बनाए, नहीं। जो चीज आपको थोड़ी कम समझ में आती है, जो चीज आपकी वीक पॉइंट है, जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आए, तो वो सारी चीजें जो है आपको इंक्लूड करनी रहती है। एब्रीवेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंबल और एब्रीवेशन करना है, समराइज कर देना है लॉन्ग टेक्स्ट को, और फिर ऑर्गेनाइज मतलब कि आपको कैसे पढ़ना है कि पहले टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद सब टॉपिक पढ़िए, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। और यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी हम शॉर्ट नोट बनाते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो नर्वस सिस्टम एक बड़ा आपका हेडिंग है, उसके बाद उसके सब टॉपिक आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर डिवाइड करोगे तो ब्रेन आएगा एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा, फिर ब्रेन को और फर्दर डिवाइड करोगे तो फोर ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन आएगा, हिंड ब्रेन आएगा, फिर फोर ब्रेन पे जाएंगे तो आपका सेरिब्रम आएगा और फिर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स आएगा, फिर उसके बाद मिड ब्रेन। तो इस तरीके से इनकी सब ब्रांचेस चलती जाती हैं, तो आपको एक कनेक्टिविटी के साथ बनाना रहता है और इसी तरीके से आपको तैयार करने रहते हैं। डिजिटल टूल भी है जो आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं। रेगुलर अपडेट्स रखना जरूरी है, क्योंकि वो जो स्पेस है वो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है हर एक टॉपिक के बाद, जिससे अगर आप अपने नोट्स को अपडेट करना चाहो, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हमने सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन करी, हम 6 मंथ के लिए प्रिपरेशन करी, लेकिन कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस हैं, नहीं हो पाया हमारा सिलेक्शन, तो अब क्या करेंगे ना, हमें पूरा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमने स्पेस छोड़ा वहीं पर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ रहे हैं, उनको इजीली इंक्लूड कर दीजिए, तो उससे आपके नोट्स जो है वो अपडेटेड हो जाते हैं। रिव्यू करते रहिए, और न्यूमोनिक्स जो है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई अपनी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, कोई लिस्ट है जो नहीं याद हो रही है, तो आप अपने मन से भी, बहुत सारे से बच्चे क्रिएटिव होते हैं जो न्यूमोनिक्स बना लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उनका भी इस्तेमाल करना है। कंसाइज रखिए। तो ये कुछ टिप्स थी शॉर्ट नोट की, बहुत बेसिक सी टिप थी कि आपको कैसे कैसे करना है, तो आप चाहें तो इन सारी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, ये मतलब मैंने इतने टाइम से अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर में, इवन पीएचडी में भी मैंने नोट्स बनाए हमेशा, पूरा पीएचडी का मेरा एक रजिस्टर है, तो ये एट द लास्ट मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो अलग ही लेवल के नोट्स थे, फिर एमएससी, फिर उसके बाद, तो ये जो है ना, ये पूरा सार है मेरे 7 to 8 ईयर का, जब मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट नोट बन रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो ये जरूर इंक्लूड करिए और आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेगी, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर मैं बात आपसे कर लूंगी कि रिसोर्सेज, क्योंकि कई बार कैंडिडेट पूछते हैं कि कौन से रिसोर्सेस होने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, तो मैं आपको कुछ बता दूंगी, बुक्स वगैरह, बुक्स तो हमने पहले ही मेंशन कर ली, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल हैं जो आपको प्रेफर करनी थी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।